దుర్గిలో పవిత్ర రంజాన్ ను ముస్లిం సోదరులు శనివారం భక్తి శ్రద్ధలతో ఘనంగా నిర్వహించారు. శనివారం ఈద్గాల వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరిపారు. మత గురువు ఇమాన్ మౌలానా రఫీ ఉద్దీన్ మాట్లాడుతూ, దయగుణాన్ని కలిగి దాన ధర్మాలు చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని బోధించారు. జూన్ 19వ తేదీ నుంచి ముస్లిం సోదరులు ఉపవాస దీక్షలు ప్రారంభించి 30 రోజులు నమాజ్లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. సంపాదించిన ధనంలో పేదవారికి దాన ధర్మాలు చేయడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. శాంతి, ఓర్పు వంటి సద్గుణాలను అలవర్చుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం పేదలకు దాన ధర్మాలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల ముస్లిం సోదరులు పెద్దలు పాల్గొన్నారు. क्या तुम उसका हक अदा करोगे? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका हक क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस महीने के अंदर चंद मखसूस इबादतें हैं, चंद खास इबादतें हैं. रमज़ान के अलावा 5 वक्त नमाज पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है, फ़र्ज है. और इस रमज़ान के अंदर कुछ खास इबादतें करना हम पर वाजिब है, ज़रूरी है. वो ये है कि रमज़ान का रोज़ा और रात की तरावी, ये दोनों चीज़ें अदा करना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज है. मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, खुश नसीब है वो आदमी जिसने इस महीने का हक अदा किया. अल्लाह ने ऐसा महीना दिया, महीने को मुकम्मल कर दिया. एक जमात ऐसी है कि महीने जाने पर गम करते हैं, फिक्र करते हैं, अल्लाह साल भर ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता, हम कितने इबादत करते थे. और एक जमात ऐसी है कि रमजान जाने पर ना उनको गम होता है ना उनको खुशी होती है. यानी सिर्फ रमजान में रोजा रख लेते, साल भर इबादत को छोड़ देते, ऐसी एक जमात है. वो जमात को रमजान मुकम्मल होने पर, रमजान चले जाने पर ना खुशी होती है ना दिल में गम होता है. अपनी दुनिया मुकम्मल होने पर कोई आदमी इस महीना मुकम्मल होने पर दिल के अंदर गम करता है, फिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस गम की वजह से पूरा साल रोजा रखने के सवाब अता फरमाते हैं. रमजान जाने पर फिक्र करना, रमजान चले जाए, रमजान मुकम्मल हो गया, नहीं मालूम फिर आइंदा साल कौन यहाँ पर बैठा रहता, नहीं मालूम आइंदा साल कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा. दिल में फिक्र होता पैदा होता है कि अल्लाह रमजान तूने दिया है, फिर आइंदा साल को सलामती के साथ रख. और छुपा हुआ है सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और जितने आदमी मस्जिद के अंदर है उन्हीं को मालूम कि तुम नमाज पढ़ो. मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मगर जब रमजान मुकम्मल होने का चांद नजर आता है, जब ईद होती है, तो तुमको जो है मस्जिद के अंदर पढ़ने की इजाजत नहीं है. तुम्हारे लिए बेहतर है कि ईदगाह के तरफ आकर ईदगाह की 2 रकात अल्लाह का शुक्र अदा करें. ये नमाज जो है ईदगाह की 2 रकात पढ़ना, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना है. अल्लाह ने सब लोग खुशियाँ मनाते हैं, मगर हमारे पास माल नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, वो गम होते हैं. ऐसे गरीबों को फितरा अदा करे, ऐसे गरीबों को अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह ने हमें थोड़ा सा पैसा दिया है, उसके अंदर से फितरा निकाल कर घर में जितने आदमी है एक एक आदमी के हिसाब से 50-50 रुपए निकाल कर किसी गरीब को दे दे, तो उसके दिल में ये फिक्र पैदा नहीं होता, अफसोस पैदा नहीं होता. वो भी आसानी के साथ ईद मनाते हैं, वो भी खुशी के साथ ईद मनाते हैं, मगर अल्लाह का फजल है यहाँ पर तो कोई गरीब नहीं, अल्लाह ने सबको माल दिया है. गरीब की अगर जवाब है तो दिल के अंदर बोले, बाहर मत बोले. अल्लाह के वास्ते एक सवाल, वो सवाल ये कि मुसलमान किस चीज से पहचाना जाता है, मुसलमान किस चीज से पहचाना जाता है? क्या मुसलमान टोपी से पहचाना जाता? ऐसा तो मारवाड़ी भी टोपी लगाते हैं. क्या मुसलमान जुब्बा पैजामा? हज है, सदका है, फितरा है, जितने भी दीनी अहकाम है वो सब के सब इंसान के जिस्म के मालिक है. समझ में आ रही बात सबको? खुला खुला बात करो, जितने भी दीनी के अहकाम है दुनिया भी मुसलमान है. बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है नहीं है? है ही नहीं मुसलमान?
ہے تو کیوں نہیں بولتے فخر کے ساتھ؟ ہم مسلمان ہیں, فخر کے ساتھ کہنی چاہیے اس بات کو. ہم مسلمان ہیں, ہم ماں پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے, مریں گے تو انشاءاللہ مسلمان خاندان سے مریں گے, اٹھیں گے تو انشاءاللہ مسلمان بن کر اٹھیں گے. اللہ کے نزدیک دعا کر میرے دوستو, مسلمان کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے. اخلاق کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق اسے کہتے ہیں, اخلاق کے اندر بہت جز ہے. اخلاق ایک جو ہے جھاڑو کے معنی, سمجھ میں آ رہی بات؟ اخلاق ایک